नमस्ते सोल फैमिली, वेलकम बैक। आज डे 14 का अभ्यास और हर महीने की 14 तारीख को हम इस अभ्यास का मनन कर सकते हैं। हाउएवर, आप कभी भी इन टीचिंग्स को अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज एक बार आपने क्रिएटर कॉन्शियसनेस में कदम रख लिया तो ये टाइमलेस टीचिंग्स आपको हमेशा मदद करने के लिए उपलब्ध रहेंगी। काफी जो सीकर्स हैं वो बता रहे हैं कि वो इन एक्सरसाइजेस करते करते ही ध्यान में चले जाते हैं और मैं भी जो इसका आपको अनुवाद करके पेश कर रही हूँ, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस मेरे साथ भी, मेरी चेतना में भी इसी तरह से कुछ घटित हो रहा है। तो जो हो रहा है, बिकॉज ये डिवाइन प्लान है, हर दिन अनफोल्ड हो रहा है, सो लेट इट हैपन नेचुरली। बट अलोंग विद दिस एक्सरसाइज आप अपनी मेडिटेशन भी जरूर करें, क्योंकि चेतना का इतना प्यारा सफर है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अभ्यास की कंसिस्टेंसी से ही हम अपने जो लॉजिकल माइंड को शांत कर पाएंगे और क्रिएटर की चेतना में स्थापित होना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए आज के दिन देखते हैं, लेखक ग्रेगरी ग्रैबोवॉय हमें आज क्या 3 अभ्यास पेश कर रहे हैं। सबसे पहला विजुअलाइजेशन, और आज की बहुत ही प्यारी मनन की विधि है कि आपकी जो भी इंटेंशन है, आपकी स्पिरिचुअल वेलबीइंग, आपकी अबंडेंस, हेल्थ, आप उसको जोड़ के देखें एक टूल के साथ, जिस टूल का लेखक नाम देते हैं मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लेखक कहते हैं आप अपने चारों तरफ अपनी चेतना से देखें कि आपके आसपास सृष्टि में कितना कुछ हो रहा है। बादलों का होना, पक्षियों का होना, पक्षियों का उड़ना, पंछी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बादल बनते हैं, चढ़ते हैं, पानी धरती पे आता है। तो लेखक कहते हैं कि आप ऑब्जर्व करें अपने आसपास जो इवेंट्स हो रहे हैं आपके एनवायरनमेंट में, उसको बिना किसी जजमेंट के उसका साक्षात्कार करें और देखने की कोशिश करें कि उसके पीछे कारण क्या है, कि ये इवेंट क्यों हो रहा है। लेखक कहते हैं कोई भी इवेंट जो है वो आइसोलेशन में नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे संबंध और कनेक्शंस जुड़े रहते हैं। तो जब आपकी इंटेंशन, जिसको आपने आज अपने चेतना का आधार बनाया है, जिसकी फुलफिलमेंट के लिए आज आप इस अभ्यास को करेंगे, आप ये ध्यान में रखें कि वो भी सेपरेशन में कभी भी जो है सेपरेशन में आपकी इंटेंशन कभी भी पूरी नहीं होती। उसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं, बहुत सारे इम्पैक्ट्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। एक इंटेंशन या लक्ष्य को पूरा करने के पीछे बहुत सारे जो लार्ज कनेक्शंस हैं जो हमें नहीं दिखते, वो बहुत सारी चीजें जो हैं पर्दे के पीछे नेविगेट हो रही हैं। और जैसा कि मेरी कोशिश है कि मैं लेखक के कॉन्सेप्ट्स को
सिंप्लीफाई करके आप तक पहुंच जाऊं चीजें। तो आज एक एग्जाम्पल लेते हैं एक पक्षी का। अब आप देखें कि हमने अपने आसपास में देखा कि पंछी उड़ रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? लेखक कहते हैं, देखें कि पंछी क्यों उड़ रहा है। बिना किसी जजमेंट के देखें कि जो पंछी है उसके उड़ने के कारण क्या हो सकते हैं। या तो वो अपना पेट भरने के लिए इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश करता है, या तो वो अपने परिवार के लिए भोजन एकत्रित करने की चेष्टा कर रहा है, इसके लिए वो उड़ सकता है, या तो वो किसी जानवर से बचने की कोशिश कर रहा है। उनकी लाइफ में भी ऐसे इवेंट्स हैं जहां पे उनको अपनी सुरक्षा करनी पड़ती है, हो सकता है, या फिर वो जैसे वेदर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से पंछी एक जगह से दूसरी जगह पे पलायन करते हैं। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि पंछी अपने खुद के बचाव के लिए, अपनी खुद की सुरक्षा के लिए, अपने वेलबींग के लिए, फैमिली की वेलबींग के लिए, इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, बहुत ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे हमने साक्षात्कार किया कि एक पंछी जब उड़ता है उसके पीछे बहुत कारण हो सकते हैं। ऐसे ही लेखक कहते हैं, आप इस चीज को गहराई में समझें कि आपका जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति के लिए भी पीछे बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारे जो गहरे मकसद हैं वो छुपे हुए हैं। वो लक्ष्य आपको क्यों आया, उसको पूर्ति करने के लिए क्या-क्या एनवायरनमेंट में सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होगा, तो ऐसे बहुत सारे जो लार्जर क्वेश्चंस हैं, जो पोटेंशियल इम्पैक्ट्स होते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, वो हमें देखने चाहिए। और लेखक कहते हैं, इससे आप सोचिए कि काफी लोग कई बार निराश हो जाते हैं कि अभी मेरी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही। कहने का ये तात्पर्य है कि जो क्रिएटर कॉन्शियसनेस में स्थापित होते हैं उन्हें पेशेंस और धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य आइसोलेशन में कभी भी ऑपरेट नहीं करता। लक्ष्य की पूर्ति के लिए बहुत सारे पीछे रीजंस जो हैं वो छुपे हुए होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं वो कनेक्टेड होती हैं, और हर चीज को नेविगेट करके ही हमारे लक्ष्य की पूर्ति की जागृति होगी, उसकी स्थापना होगी। तो क्रिएटर्स को ये मैसेज है आज कि लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स को देखें, वननेस को देखें। वननेस में बहुत सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं, आइसोलेटेड नहीं होती। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्रिएटर्स अपने धैर्य की शक्ति का भी इस्तेमाल करेंगे। बहुत प्यारा टूल है विजुअलाइजेशन का, और जैसे जैसे आप देखेंगे कि हर चीज घटित होती है, आपके लक्ष्य की भी पूर्ति की जो संपूर्णता है वो घटित होने ही वाली है। ऑल इज इन परफेक्ट एंड डिवाइन ऑर्डर नाउ एंड फॉर एवर। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन कॉन्शियसनेस। चलिए सेकेंड एक्सरसाइज, 14वें दिन की, 7 अंकों का नंबर। अपनी चेतना में इस एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी को आने दें। 5 8 3 1 4 2 1, 5 8 3 1 4 2 1,
अपने क्राउन चक्रा से एक शाइनिंग बीम ऑफ लाइट के साथ कॉस्मिक एनर्जी आपके इंडिविजुअल एनर्जी में मर्ज होती हुई महसूस करें। अपने चक्रास को संतुलन में आते हुए देखें। अपने बॉडी के हर एक सेल को, कोशिकाओं को, टिश्यूज को, बोन्स को, हर एक अंग को डिवाइन ब्लूप्रिंट ऑफ वेलनेस के साथ एक्टिवेट होता हुआ देखें। 9 अंकों का नंबर 3-3 के क्रम में आप इसको अपने मन की आंखों में देखें। 999, 888, 776, 999, 888, 776। वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। थैंक यू। ग्रेटिट्यूड टू द यूनिवर्स फॉर कनेक्टिंग अस टू दिस डिवाइन नॉलेज, और सभी प्यारे साथियों का जो इस सफर पे जुड़ के इस चेतना को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए आज का तीसरा अभ्यास, डे 14 का, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। लेखक कहते हैं कि आप समय और स्पेस, इस सब की लिमिटेशंस को आप सरपास कर चुके हैं। आप अपने शरीर को देखें एक ऐसे वेसल के रूप में, यानी ऐसे घड़े के रूप में जिसमें लाइट भरी हुई है। अपने हाथों को, अपने शरीर के हर एक अंग को, आप इस एक्सरसाइज को पॉज भी कर सकते हैं यहाँ पर, और आईने के आगे आप अपने आप को देखें और ऑब्जर्व करें। आपका हर एक बॉडी पार्ट प्रकाश से भरा हुआ है। एक डीप ब्रेथ, अलाउ योर बॉडी टू बी द रेजर्वॉयर ऑफ लाइट, प्रकाश से भर दें अपने शरीर को। सारे बॉडी पार्ट्स में से आपकी शाइनिंग लाइट रेडिएट कर रही है, प्रकाश ही प्रकाश। डिवाइन वेलनेस एक्टिवेट हो रही है। कृतज्ञता के भाव के साथ लेखक कहते हैं कि आप आज अवेयरनेस में रहें कि आप एक ऐसी चेतना हैं जहां जिसको समय की कोई पाबंदी नहीं है, फिजिकल बाउंड्रीज की कोई पाबंदी नहीं है, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं आपकी चेतना में, और आपका अपने हायर सेल्फ के साथ इटर्नल कनेक्शन है। आप किसी भी समय, क्योंकि आप में आप बंधन में नहीं हैं, फिजिकल स्पेस का बंधन, समय का बंधन या लिमिटेड नहीं है आप,
इसके लिए आप जब अवेयरनेस में रहेंगे, आप किसी भी समय अपनी हायर कॉन्शियसनेस के साथ, डिवाइन के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। कितनी प्यारी बात बताई है। बहुत सारे सीकर्स बोलते हैं मुझे ट्रस्ट नहीं है, मेरे को पता नहीं मैं सही सोच रही हूँ कि नहीं। नहीं, आप बिल्कुल सही हैं। अपने छोटे छोटे कदम लेके खुद पे विश्वास करें, क्योंकि आप हमेशा ही अपने हायर सेल्फ से गाइडेड हैं। अपनी चेतना पे संशय मत करें। इस फिजिकल वर्ल्ड के जो आपको लिमिटेड रहने के बंधन बताए गए हैं, उनसे निकलते हुए आज लेखक कहते हैं कि आप फिजिकल स्पेस और समय, इन दोनों के बंधनों से मुक्त हैं, और यही हमारी असली इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम। फ्रीडम टू बी लिमिटलेस, फ्रीडम टू एम्ब्रेस माई डिविनिटी। कितना कोइंसिडेंस है कि हमारा इंडिपेंडेंस डे आ रहा है कल, और आज ही हमने आजादी का परचम लहरा दिया है। वेरी ब्यूटिफुल गाइडेंस। तो आज के तीन जो एक्सरसाइजेस हैं, पहला टूल, अपने आसपास होती हुई घटनाओं की पूर्ति को देखते हुए आप अपनी इंटेंशन की पूर्ति को भी देखें। नंबर्स की कॉस्मिक ऊर्जा, आज हमें एक ब्लेसिंग मिली, और बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस में हमने अपने शरीर को एज अ वेसल ऑफ लाइट देखा, और हमने समझा कि किस तरह से हम अपने हायर सेल्फ के साथ हमेशा कनेक्टेड हैं, हमेशा। सो ड्रॉप योर डाउट, इट इज नॉट सर्विंग यू, एंड एंजॉय योर फ्रीडम, एंजॉय योर इंडिपेंडेंस। लव यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू द क्रिएटर, थैंक यू टू इजुमी जी, प्रवीण जी, थैंक यू टू ग्रेगरी ग्रैबोवॉय, एंड थैंक यू टू ऑल ब्यूटिफुल सोल्स। इट्स सच अ जॉयस मोमेंट। ओके, थैंक यू, थैंक यू।